दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए परसेंटेज के हम एक सवाल को हल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। एक आदमी की कुल आय 5200 रुपए है, हम इसको लिख दे रहे हैं 5200, 3000 रुपए ये कर मुक्त है तथा 3% की दर से के बाद उसकी शुद्ध आय क्या होगी। तो 3000 ये कर मुक्त कर दे रहा है तो इसके पास बच रहा है 2200 और इसमें टैक्स का ये जो है टैक्स जो है दे रहा 3%। तो 22 × 3 = 66 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3000 + 2200 और ये -66 इसमें घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5200 -66 हमारा आंसर आएगा 5134 रुपए। इस सवाल का हमारा बिल्कुल यही आंसर होगा, सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर और सब्सक्राइब करिए, हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे रीजनिंग के, ओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैथ के सवालों को।